नमस्कार दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कीटोजेनिक आहार क्या है और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। हम अक्सर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सुनते रहते हैं कि कीटो आहार के कई फायदे हैं। कीटोजेनिक आहार एक कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च वसा वाला आहार है, जिसे शरीर को कीटोसिस नामक पाचन क्रिया की अवस्था में पहुंचने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इस अवस्था में शरीर कार्बोहाइड्रेट की जगह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फैट यानी वसा का प्रयोग करता है। दोस्तों, आमतौर पर एक कीटोजेनिक आहार में उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ जैसे मांस, तेल, नट्स, बीज और कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां जैसे पत्तेदार साग शामिल होते हैं। आज इस वीडियो में मैं पवन शर्मा आप सभी के साथ कीटोजेनिक आहार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा करूंगा। कीटोजेनिक आहार के प्राथमिक लाभों में से एक वजन कम करना होता है। क्योंकि शरीर ऊर्जा के लिए वसा को जला रहा है, इससे शरीर में वसा और शरीर के वजन में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ अध्ययनों से ये भी पता चला है कि कीटोजेनिक आहार इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है, जो कि टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कीटोजेनिक आहार के अन्य संभावित लाभों में बेहतर मस्तिष्क कार्य, सूजन और हृदय रोग का जोखिम कम करना शामिल है। हालांकि आज की स्थिति में कीटोजेनिक आहार के दीर्घकालीन प्रभावों और इसके संभावित लाभों और जोखिमों को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक शोध की जरूरत है। दोस्तों, इस आहार का पालन करना आमतौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है और ये सभी के लिए उपयुक्त भी नहीं है। आइए दोस्तों, अब मैं आपसे शाकाहारी और मांसाहारी कीटोजेनिक आहार संबंधी कुछ बेहतरीन सामग्री की जानकारी साझा करता हूँ, जो सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त भी है। सब्जियों में पालक, केल, ब्रोकली, फूलगोभी, बेल मिर्च, तोरी और शतावरी जैसी कम कार्ब वाली सब्जियाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कीटोजेनिक आहारों के लिए बढ़िया विकल्प हैं। ये फाइबर और पोषक तत्वों में उच्च हैं और कार्ब्स में कम हैं। मेवे और बीजों में बादाम, अखरोट, चिया के बीज, अलसी के बीज और कद्दू के बीज स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये एक बेहतरीन स्नैक है जो भोजन और मीठे डेजर्ट में जोड़े जा सकते हैं। एवोकाडो स्वस्थ वसा और फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसका उपयोग सलाद, स्मूदी और बर्गर और सैंडविच की टॉपिंग के रूप में किया जा सकता है। अंडे प्रोटीन और स्वस्थ वसा का एक बड़ा स्रोत है। इन्हें उबालकर, भुर्जी बनाकर या तलकर सलाद, सूप या नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। नारियल का तेल मध्यम श्रृंखला के ट्राइग्लिसराइड्स का एक बड़ा स्रोत है, जो लीवर द्वारा आसानी से कीटोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी कीटोजेनिक आहार दोनों के लिए एक उत्कृष्ट खाना पकाने का तेल भी है। जैतून का तेल एक स्वस्थ वसा का स्रोत है, जिसका उपयोग खाना पकाने, ड्रेसिंग और डिप्स के लिए किया जा सकता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट अधिक और सैचुरेटेड फैट कम होता है। पनीर प्रोटीन और स्वस्थ वसा का एक बड़ा स्रोत है। इसे सलाद या सूप में जोड़ा जा सकता है। साथ ही इसे पिज्जा और सैंडविच के लिए टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मांसाहारी लोग अपने कीटोजेनिक आहार में चिकन, टर्की, बीफ, पोर्क और मेमने के मांस को शामिल कर सकते हैं। ये सभी प्रोटीन और स्वस्थ वसा में उच्च होते हैं, लेकिन इनका सेवन कम मात्रा में ही किया जाना चाहिए। समुद्री भोजन जैसे सैल्मन और टूना मछली, झींगा और केकड़ा प्रोटीन और स्वस्थ वसा के अच्छे स्रोत हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स में कम हैं और कीटोजेनिक भोजन को बेहतर बनाते हैं। दही, मक्खन और क्रीम जैसे डेयरी उत्पादों को सीमित मात्रा में कीटोजेनिक आहार में शामिल किया जा सकता है। ये स्वस्थ वसा और प्रोटीन में उच्च होते हैं। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि कुछ चिकित्सीय स्थितियों जैसे यकृत रोग या अग्नाशय शोथ वाले व्यक्तियों के लिए कीटोजेनिक आहार न लेने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों, कीटोजेनिक आहार शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श करके ये सुनिश्चित कर लें कि क्या ये आहार आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा संतुलित आहार के महत्व को समझना भी जरूरी है, यानी आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कीटोजेनिक आहार लेते समय भी आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन पैनल पर बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
Thank you.